बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली किचन में आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई बिरयानी, वो भी मैं अपने स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं। 2 किलो चिकन हमने अच्छे से धो लिया। ये हमने 2 किलो चावल ले लिया है, बिरयानी का चावल है, पक्का चावल। इसको हम पानी में डाल देंगे, कम से कम 1 से 1.5 घंटा पानी में डाल के छोड़ दूंगी। ये हमने 2 बड़े साइज का प्याज बारीक स्लाइस कर लिया, तेज पत्ते और ये हरी मिर्च 1 मुट्ठी, इसको हम फाड़ लिए हैं बीच से। लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, ये कुछ सूखे मसाले जो हम यूज करेंगे बिरयानी, ये साबुत मसाले जो बिरयानी में डालेंगे। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर है 2 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा, कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1.5 चम्मच। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 1/2 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में मिक्स करके। हमारे पास टाइम है तो मैं 1/2 घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रिज में, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 1 नींबू निचोड़ देंगे, 3 तो ये हमारा चिकन जो है वो मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। बिरयानी का अचनी का पानी तैयार कर लेंगे बिरयानी में डालने के लिए। डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी, 2 से 3 हरी इलायची, सौंफ डालेंगे, 2 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, 2 चम्मच कटा हुआ प्याज डाल देंगे 1 टुकड़ा, लहसुन डाल देंगे 5-6 2 टुकड़े करके, लहसुन नमक डाल देंगे। अकनी को हम अच्छे से उबलने देंगे खूब 1/2 घंटे तक। बिरयानी के लिए हम भगोना चढ़ा रहे हैं, इधर हमारा तैयार हो रहा है, इधर हम बिरयानी तैयार करेंगे। तेल डाल देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल देंगे 1 चम्मच, ये 2 कटे हुए प्याज है वो डाल देंगे, प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन भून गया है। अब मैं इसमें डाल अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट, लहसुन अदरक भून गया है इसमें डाल देंगे मिर्ची और ये खड़े गरम मसाले हैं ये डाल देंगे, इसको भी 2 मिनट भून लेंगे। पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे इसमें, जो हमने चावल फुलाया था वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें चिकन को फ्राई कर लूंगी। इस तरह से फ्राई कर लेना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना। चावल गल गया है, इसमें चिकन डाल देंगे, लहसुन का अचार डाल देंगे 3 से 4 चम्मच, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पाँच मिनट तक पका लेंगे और तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे प्याज बारीक कटा हुआ, इसको ब्राउन कर लेंगे बिरयानी में डालेंगे ऊपर से। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अब गैस को बंद करते हैं। बिरयानी हमारा तैयार हो गया है, इसमें डाल देंगे प्याज जो हम ब्राउन किए हैं,
टेस्टी टेस्टी बिरयानी हमारा बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह बिरयानी बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग भी ट्राई करें।